हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आपका है कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोट। तो कार्बन प्रतिरोध होता क्या है और वर्णकोट क्या होते हैं, इसके आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कार्बन प्रतिरोध की कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध क्या किसके बने होते हैं, अर्धचालकों के बने होते हैं, जो कि बहुत ही छोटा डिवाइस होता है। कैसा, बहुत छोटा डिवाइस होता है। ये देख सकते हैं आप, कार्बन प्रतिरोध कुछ ऐसे होते हैं और काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट हैं जो आसानी से हर जगह हर शॉप में मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, 3.5 × 10⁻⁵ ohm। तो बात करें कि इनको धातु चालकों का भी बनाया जा सकता था। तो धातु चालकों में क्या होता है, अगर वो धातु के बने होंगे तो उसमें ओम जो होता है वो कितना, 100 100 मेगा ओम प्रतिरोध के लिए हमें धातु चालकों का उपयोग किया जाता है। लेकिन धातु चालकों में क्या होता है कि हमें तार की लंबाई बहुत लेनी पड़ेगी, इसी कारण किससे कार्बन प्रतिरोध अर्धचालकों के बने होते हैं। इसलिए कार्बन प्रतिरोध का इसमें मतलब किसी भी डिवाइस में कार्बन प्रतिरोध का ये, क्योंकि हर जगह अवेलेबल हो जाता है और सस्ते प्रोडक्ट हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि कार्बन प्रतिरोध के बारे में। तो ये देखिए, ये आपका इसका फिगर है कार्बन प्रतिरोध का। तो इसमें क्या होता है, ये एक चालक होता है जिसमें तीन पट्टियां होती, कलर की तीन पट्टियां होती हैं। अगर आपने इसका फिगर समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें कैसी तीन पट्टियां होती हैं जिनका नाम क्या होता है, ए बी और सी, जिसमें कलर कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए ये बी वी जी मतलब ब्लू है, वायलेट है और ये आपका ग्रे है। मान लीजिए तीन पट्टियां हैं और जो चौथी पट्टी आपकी डी है उसमें कौन सा, उसमें सिल्वर कलर लगा हुआ है। तब इसके कोड के माध्यम से इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले कि अगर ये मान लीजिए दो पट्टियां हैं और तीसरी पट्टी दी हुई है तो हम कार्बन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कैसे निकालेंगे, निकालना हम आपको टेबल के माध्यम से बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी टेबल देख लेते हैं जिससे आपको ये वर्ण कोड अच्छे से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट वे में इसका फॉर्मूला है वर्ण कोड का। तो इसे ज्ञात करने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ती है। तो कोड आपका क्या है, बी बी रॉय, मतलब बी बी रॉय एक क्या है, पर्सन है जो कि क्या है, बहुत ही अच्छा लड़का है, ग्रेट बॉय। बी बी रॉय एक पर्सन है जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है, हैज़ वेरी गुड वाइफ, और उसके पास क्या है, एक अच्छी बीवी है। तो बीवी रॉय एक आदमी है मतलब कि जो कि एक अच्छा लड़का है, मतलब बीवी रॉय एक आदमी का नाम है जो कि एक अच्छा लड़का है और उसके पास क्या है, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी पत्नी भी है। तो ये आपको कोड समझ में आया। तो चलिए इसकी टेबल देखते हैं जिससे ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली, मान लीजिए ये आपकी दो पट्टियाँ ए बी, इनमें क्या होता है, इनमें इनको हम अंक से मतलब अंक से डिनोट करते हैं। और जो सी पट्टी होती है वो किसके रूप में लिखते हैं, 10 की घात के रूप में लिखते हैं। और जो आपकी डी पट्टी होती है वो विश्वसनीयता या त्रुटि होती है। तो चलिए टेबल के माध्यम से समझते हैं, ए बी आपकी कौन सी अंक वाली पट्टी होती है और सी कौन सी 10 की घात वाली पट्टी होती है, बी मतलब सी वाली पट्टी जो आपकी 10 की घात के रूप में लिखते हैं, और जो डी है वो विश्वसनीयता होती है। तो एक चलिए पहले इसकी टेबल देखते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करके बताएंगे कि किसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी टेबल है। तो फॉर्मूला इसका क्या 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 था, मतलब कोड क्या था, बी बी रॉय एक पर्सन है जो कि बहुत ही अच्छा लड़का और उसके पास एक बहुत ही अच्छी वाइफ है। तो बी बी रॉय, अब भाई क्रम तो ये है, तो बी बी इसको कैसे लिखेंगे, ब्लैक ब्राउन, सेकेंड वाले को ब्राउन, रेड उसे ऑरेंज, येलो इज अ ग्रेट, इसका जी लेंगे ग्रीन, बी से इसका भी एक कैपिटल लेटर लेंगे तो ब्लू, और इसका वेरी का वॉयलेट, और जी को हम क्या लिख सकते हैं, आपका जी हो गया ग्रे, और वाइफ का वाइट, ठीक है। तो अब इस पट्टी में हम 10 की घात के रूप, तो आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर में हमने बताया था कि एक फिगर के हिसाब से कि ए बी क्या होते हैं, ए बी होते हैं आपके अंक, और सी क्या होती है, सी पट्टी को हम लिखते हैं किससे, 10 की घात से। तो ए बी पट्टी को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए बताते हैं। तो ये जो आपकी ए बी पट्टी होती है, ए बी इसको किससे हम डिनोट करते हैं, अंक से डिनोट करते हैं। जो इसके बाद वाली जो सी पट्टी में जो कलर होते हैं उसको किस में लिखते हैं, 10 की घात में। तो ये 0 है तो इसको किससे, 10 की घात 0, 1 है तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात क्या हो गई आपकी, 9। सेम सेम मतलब कि 0 है तो 0 10 की घात आएगी, 1 2 3 ऐसे आएंगे। और आपका यहाँ पे अगर इसका परसेंटेज की बात हम आपको बाद में बताएंगे, क्वेश्चन से देखते हैं कि हम इसको इसकी कोडिंग कैसे निकालेंगे।
तो इसी फिगर से देखते हैं कि अभी हमें क्या देखना है। यहाँ पे दी कौन कौन सी पट्टियां हैं, ब्लू पट्टी दी गई है, वायलेट पट्टी दी गई है और ग्रे पट्टी दी गई है। तो बात करें ब्लू पट्टी की, तो ब्लू कहाँ पे है, ब्लू ए बी पट्टी में। ब्लू का कितनी अकॉर्डिंग, छः। ब्लू का क्रमांक कितना है, छः है। तो ब्लू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, छः। ब्लू का नंबर कितना है, छः। बात करें वायलेट की, तो वायलेट का नंबर कितना है, वायलेट। वायलेट की क्या है, सात है। इनको किससे लिखते हैं, अंकों में। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए बी को किसमें, ए बी पट्टी को हम अंकों से लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 67 हो गया। अब सी पट्टी में जो कलर लिखा हुआ है उसको किससे, 10 की घात से करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ग्रे कलर दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखो ग्रे कलर कहाँ है, सिलेटी ग्रे। तो इसको किससे, 10 की घात 8 से। तो 67 × 10 की 8 मतलब इसको किससे, गुणज में होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना। तो ये कितना हो गया, 10 की घात 67 × 10 की 8। अब बात आई डी पट्टी की, तो डी में क्या हो सकता है, डी में कोई भी कलर हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सुनहरा सिल्वर भी हो सकता है और नो कलर भी हो सकता है, कोई भी कलर नहीं दिया होगा। तो बात करें कि आपको यहाँ पे किस, मतलब कि गोल्ड वाला है, तो इसकी जो, इसकी विश्वसनीयता कितनी होगी, ±5%, और इसकी कितनी होगी, ±10%। और ये जब नो कलर दिया होगा तो इसकी विश्वसनीयता कितनी होगी, 20%। तो अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सिल्वर। तो सिल्वर की आप देख सकते हैं, सिल्वर चांदी, इसकी परसेंट, इसका परसेंटेज क्या है, ±10% ओम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन और कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे दो ही कलर हो सकते हैं, मान लीजिए कलर चेंज हुए, तो यहाँ पे दो ही पट्टी दी हुई है, लास्ट में कोई भी पट्टी ना दी हुई या नो कलर दिया हो। तो ऐसे पहले हम किसकी निकालेंगे, पहले हम अंकों की, ए बी जो जो कलर दिए हुए हैं ए बी, तो उसके हम क्या निकालेंगे, उसमें अंकों की, अंक लिख लेंगे कितने कितने नंबर पे हैं यहाँ से। और फिर दूसरे वाले को क्या करेंगे, सी पट्टी की, इसी पट्टी को गुणज में। चलिए एक और एग्जांपल से आपको अच्छे से बताते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका कोई फिगर है, ये आपका क्या हो गया, फिगर हो गया। इसमें दो पट्टी, इसमें दिया हुआ है मान लीजिए कौन कौन सा कलर, ऑरेंज कलर दिया हुआ है और येलो कलर दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड। तो अब बात करें ऑरेंज, ऑरेंज कितने नंबर पे है भाई, ऑरेंज है आपका 3 नंबर पे, ए बी और यहाँ पे डी, सी नहीं, सी भी ले लेते हैं। चलिए तो सी की बात करें, सी मान लेते हैं ब्लू है कलर, सी का कलर ब्लू है। तो ए कितने, ओ कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, और येलो 4 नंबर पे है, 3 4 34। गुड़ा, गुड़े का चिन्ह लगाएंगे। सी पट्टी की बात करें यहाँ पे, सी, तो सी पे कौन सा कलर दिया, बी से ब्लू। तो ब्लू कितने, ब्लू की क्या होगी, ब्लू है 10 की घात कितने नंबर पे है, ब्लू 6 नंबर पे है, तो 10 की घात 6, 10 की घात 6। और ये डी, डी आपका क्या दिया हुआ है, ग्रे, गोल्ड है, गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड का क्या होता है, ±5% ओम, ये इसकी क्या हो गई, विश्वसनीयता। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये इसका फिगर है, इसमें कौन कौन सी 3 पट्टियां होती हैं, ए बी सी, 3 पट्टियां दी होती हैं, कभी कभी 2 भी दे देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है कि ए बी पट्टी को अंक में, सी पट्टी को 10 की घात में, डी पट्टी इसकी विश्वसनीयता या त्रुटिमान होता है। ठीक है, तो ये इसका कार्बन का वर्ण कोड का वो है फिगर, जिसमें 3 3 पट्टियां, और ये डी वाले में भी कोई पट्टी, कभी कभी सुनहरा होता है, कभी कभी गोल्ड होता है, कभी कभी नो कलर भी, और इसकी विश्वसनीयता। तो ये कोडिंग आपको, आई होप समझ में आई, समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे।